सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का खुद तफसील से जायजा लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करके कानून पर मुकम्मल अमल की मुहाफिज भी बनेगी। तो फिर अभी तक अवामी जलसे क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब दीजिएगा। आप तो मीनारे पाकिस्तान पे एक जलसा किया और फिर मीडिया टॉक्स और अब अपने पार्लियामानी बोर्ड के जलसों तक ही महदूद हो गए हैं। दहशत, एक एक आदमी को जो है वो फॉर्म्स जमा करने नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल पंजाब। साहब आपकी बात ठीक है, देखिए ना अहलियां होती हैं, लेकिन पार्टी को तो इलेक्शन से बाहर नहीं किया जाता ना सर। और अब जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, अभी मैंने पहले भी कहा ना सुप्रीम कोर्ट में तो अब नहीं मिलेगा। अब आप आगे क्या वे फॉरवर्ड है मैं वो भी पूछती हूँ, लेकिन क्या अब आपके जो उम्मीदवार हैं वो आजाद तस्वुर किए जाएंगे? अभी बात की पीटीआई के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, यानी कि जब वो इलेक्शन ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो कागजात उनसे छीन लिए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नून लीग और इनकी बी टीम यानी कि इलेक्शन कमीशन ने जब देखा कि इमरान खान की अब जमानत हो गई है और अब तहरीके इंसाफ को कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता, तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी आखिरी चाल चली और पीटीआई से बल्ले का निशान तक वापस ले लिया। इस पर आज पारस जानजेब ने नून लीग के चेले निहाल हाशमी को शो में बिठा कर ऐसा बेइज्जत किया कि मज़ा आ गया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इलेक्शन शेड्यूल आने और कागजात नामजदगी जमा होने का मरहला आते ही सियासी मैदान में घुमसान की जंग शुरू हो गई है। कहीं इलेक्शन के खिलाफ साजिशों के जाल फेंके जा रहे हैं तो कहीं इलेक्शन की शफाफियत को मुतनाजा बनाने की काविशें हो रही हैं। इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिशों के आगे बंद बांधने की मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट है, तो दूसरी तरफ एक पार्टी को ही इलेक्शन से बाहर निकालने के इकदाम सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद आने वाले इस फैसले को एक पार्टी से फील्ड ही छीनना कहा जा रहा है, एक पार्टी से इम्तियाजी कहा जा रहा है, एक पार्टी को इलेक्शन से आउट करने का मंसूबा कहा जा रहा है, एक पार्टी के लाखों अरकीन और करोड़ों वोटर्स की तौहीन कहा जा रहा है, करोड़ों लोगों से वोट जैसा बुनियादी हक छीनना कहा जा रहा है, एक पार्टी को इलेक्शन से पहले ही शिकस्त से दो चार करना कहा जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वो सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन की तारीख की मुहाफिज है, वो सुप्रीम कोर्ट जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक की मुहाफिज है, वो सुप्रीम कोर्ट जो वक्त पर इलेक्शन करवाने की मुहाफिज है, वो सुप्रीम कोर्ट जो पत्थर पर अपनी खींची गई लकीर की मुहाफिज है, वो सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन के रास्ते के पत्थर साफ करने की मुहाफिज है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी को इस तरह टेक्निकल बुनियादों पर इलेक्शन के मैदान से आउट ना करने की मुहाफिज भी बनेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का खुद तफसील से जायजा लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करके कानून पर मुकम्मल अमल की मुहाफिज भी बनेगी? पीटीआई को शिकायत है कि उसके उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। जनाब, ये वो सवालात हैं जो इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले और पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम करने के बाद पूछे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया है और आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको एक बार फिर मुस्तरद कर दिया गया है, तो पहले तो ये बताइए कि ये पीटीआई के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? पहले मैं ये कहूंगा कि ये एक्सपेक्टेड था और मैं अपने वोटर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वोटर्स को, यानी पाकिस्तान के बेशतर वोटर्स को ये कहूंगा कि घबराइए नहीं, 8 फरवरी को पीटीआई इलेक्शन में होगी और जो भी हो आपने वोट इमरान खान को देना है और ये सबूत है कि क्यों देना है। अब आपने कहा कि इसमें इशू क्या है, इशू तो ऑब्वियसली है कि आखिरी मिनट पे जो है वो हमसे एक सिंबल लिया जा रहा है ताकि वोटर्स को कंफ्यूज किया जाए। देखिए इसकी कॉन्ट्रास्ट ऐसे कर, जो इलेक्शन कमीशन 500 दिन में नेशनल असेंबली के बाय इलेक्शंस नहीं करा सकी, 330 दिन में पंजाब और केपी के प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस नहीं करा सकी, जी 140 दिन नेशनल असेंबली के इलेक्शंस असेंबली डिसॉल्व होने के बाद नहीं करा सकी, 13 सितंबर को फैसला अनाउंस करती है कि पीटीआई के इलेक्शंस ठीक है जी, और 70 दिन वो फैसला महफूज रख के फिर कहती है 20 दिन में इलेक्शन करा। मैं उस पर कॉमेंट नहीं करता, आपसे मैं पूछता हूं जी, आप पे कुछ गलत लगता है या नहीं? और एक और सवाल पूछता हूं कि जो आज और कल और परसों हो रहा है सामने, सबके सामने जी, मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स, वहशत दहशत, एक एक आदमी को जो है वो फॉर्म्स जमा करने नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल पंजाब, वो ठीक है, लेकिन आप जो नुक्ता चीनी आपने 175 पार्टियों में नहीं की, आप पीटीआई के कर लिए जाए ठीक, क्यों हम पाकिस्तान तारीख के सबसे मुतनाजा इलेक्शन करना चाहते हैं? ठीक ठीक। अच्छा जगरा साहब, आपने जो भी बाकी पॉइंट्स उठाए, आज एक अच्छी खबर भी आई कि आपको एक सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ भी मिला है, मैं जरा सब पे बात करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, अभी आपने कहा कि हमारा वोटर कंफ्यूज होगा, तो वोटर कैसे कंफ्यूज होगा? हाँ, बल्ले का निशान तो अब नहीं मिलेगा, अब आप आगे क्या वे फॉरवर्ड है मैं वो भी पूछती हूँ, लेकिन क्या अब आपके जो उम्मीदवार हैं वो आजाद तसव्वुर किए जाएंगे, आजाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ेंगे, और आप समझते हैं कि फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जीत सकेगी? इंशाल्लाह जीत सकेगी, क्योंकि देखिए अगर 7 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को
पाकिस्तान की तारीख की बुरी तरीन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैंपेन के बावजूद कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कि जो हुकूमत है, जो पीडीएम की हुकूमत सर, वो बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप में आप आपके उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे और आजाद हैसियत में लड़ेंगे, तो जाहिर है सबको जो निशान है वो तो अलग अलग ही मिलेगा ना, तो इससे तो जाहिर है वोटर के अंदर एक कंफ्यूजन तो आएगी। नहीं तो मैंने आपने आपको यही कहा, अगर आप बात करने दें जी, कि वोटर समझदार है, पहले तो हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे कल या परसों, ठीक है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सेट किया है कि जमहूरियत को किसी को डिरेल नहीं करना चाहिए, मतलब जो जो पनिशमेंट कभी अयूब खान साहब को या याया खान साहब को या जियाउल हक को या परवेज मुशर्रफ को नहीं मिली, वो उमर नियाजी को मिल सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस कदम में कोई जो है वो इल इंटेंट हुई, मंदनीयति हुई, तो ये जमहूरियत को डिरेल करने की पनिशमेंट शायद उन लोगों को भी मिले जिन्होंने ये फैसला किया। आप एक वकील भी हैं, तो क्या राय है, आप पीटीआई कह रही है ना कि इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे, तो आपको लगता है कि आज आपने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी देखे, उनका था ना बजाहिर, तो वो कह रहे हैं पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही है, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखेगी? राय क्या है? अब ये पिशावर हाईकोर्ट चले गए, मैं ये समझता हूँ कि उनका बुनियादी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बुनियादी हक और जो पॉलिटिकल वर्कर का रोल है वो बहुत बुनियादी हक तो है उनको जाने का, मगर उनके पास पॉलिटिकल रोल वाले वर्कर्स और वो लोग नहीं है जो उस पार्टी को कैरी ऑन कर सके क्राइसिस के वक्त में, वो जेल जाए या कोर्ट जाए, उनको बड़े इस्तकामत के साथ, देखिए नहीं उनको बड़ी इस्तकामत के साथ हमारा रहना, हमारी पार्टी के साथ तो यहां तक कर दिया गया था कि मरियम नवाज साहबा जो है वो कभी पार्लियामेंटेरियन नहीं रही, वो एमएनए के इलेक्शन लड़ी, एमपीए नहीं लड़ी, उसके बावजूद उनको 7 साल के लिए, मैंने 2 टर्म के लिए नाहल कर दिया गया था। साहब आपकी बात ठीक है, देखिए ना अहलियां होती हैं, लेकिन पार्टी को तो इलेक्शन से बाहर नहीं किया जाता ना सर, और अब जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, अभी मैंने पहले भी कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट के आप देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ में कोई कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता, और ना ही मैं इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे कोई बात कर सकता। सर एक आम आदमी के बिहाफ पे तो बात कर सकते हैं कि एक आम आदमी सर क्या सोच रहा होगा निहाल आदमी साहब? देखिए 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 मैं समझता हूँ कि आम आदमी की बात ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जो हम महरूम रहे, जो हमें नहीं मिला है जो मौका, हम तो इसको डसे हुए हैं, हम अपने बलबूते पे, अपने कारकर्दगी पे, अपने क्रेडिबिलिटी पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम किसी का हाथ पैर बांध करके इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। अच्छा। हम चाहते हैं कि हर कोई खुले हाथ के साथ आए, चूंकि हमारे अपनी, चूंकि मोहम्मद नवाज साहब की काबिलियत हमारे लिए नहीं है, इलेक्शन कमीशन के जो कमी सीईसी कौन लेके आया था, सीईसी को लेके इमरान खान साहब आए थे, इमरान खान साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं, उस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं थे, एक मिनट सुन लेना, वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं थे, ना नवाज शरीफ साहब को उसमें कोई अमल दखल था, ये इमरान खान साहब लेके आए थे, उन्होंने उन्हें नॉमिनेट किया था, हमें कहा, हमारे जो ऑपोजिशन थी हमने कहा ठीक है जी, हम अगर वजीर आजम लेके आते हैं एक नियत कर लेते हैं, हमने कभी इस तरह की दो नंबरी का काम नहीं किया है। ठीक सर। अच्छा झगड़ा साहब, एक तो निहाल हाशमी साहब ने कहा ना कि घर के घर को आग लग गई घर के चिराग से, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी में वाकई हमने ऐसे नहीं देखा कि उन्हीं के लोग इस तरह से खड़े हों और चैलेंज कर दें। और दूसरी बात, आपका जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है ना, वो ये इल्जाम लगा रहा है जो भी आपने भी बात की कि पीटीआई के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, यानी कि जब वो इलेक्शन ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो कागजात उनसे छीन लिए जाते हैं, और ये अटक, हाफजाबाद और सियालकोट और भी कई जगहों पर ये वाकयात बताए गए हैं। सर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बजाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आप समझते हैं कि अब आपके साथ इंसाफ होगा आगे? सॉरी, वहां पे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया ठीक है हम इनसे मिलते हैं और इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, और वहां से 3 घंटे बाद जो है वो इलेक्शन से जो है वो कागजात नामजदगी के डेडलाइन से 2 दिन पहले जो है वो सिंपल ले लिया। ये वही सुप्रीम कोर्ट नहीं थी जिसने लास्ट मिनट में चेंज करने पे जो उमर नियाजी की पिटिशन थी कि आरओज जुडिशरी से और ब्यूरोक्रेसी से ना हो, इतनी सख्ती से नोटिस ले लिया था कि जैसे मैंने कहा कि उमर नियाजी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नोटिस मिल गया, और किस चीज के लिए? डिरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। जी ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के काम को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, क्यों नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? उनको भी देख लें और निहाल हाशमी साहब देख लें, बात फिर उन्होंने ठीक की है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। नहीं वो आपको वो वीडियो याद है ना, वो जिसमें वो लोग जो है वो गए थे इलेक्शन कमीशन के बाहर और उनसे पूछा लगा, तो इस्लामाबाद के कैमरे ने तारिक फजल चौधरी साहब, शायद आपको पता है कौन सी पार्टी से वो, क्योंकि वो लोग लाए थे पीटीआई में, नून लीग। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नून लीग के लोग आए थे पीटीआई को के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे प्रोटेस्ट करने के लिए। ये तो कुछ दाल में काला, अकबर अजबाबर की बात करें वो तो ठीक है गए थे, उनके अलावा 13 लोग और लेकर गए थे, लेकिन अकबर अजबाबर तो कहते हैं मैं पीटीआई का बानी रुकन हूँ, आप उनको नहीं मानते, और जब हम उनसे ये सवाल करते हैं तो इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले वो सामने रख देते हैं। ये मेरे हक में पहले तो मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो
पीटीआई का रुकन इलेक्शन है, कमीशन एंड इस्लामाबाद हाई। अकबर एस बाबर को तो मैंने 6 साल या 6 साल में नहीं देखा जो मैंने सियासत की है। पहला रिकॉर्ड तो ये बन जाएगा कि लगता है ऐसे है, और उम्मीद है कि ऐसे नहीं होगा, लेकिन लगता है ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल और सबसे रिग्ड इलेक्शन करने वाले। तो एक रिकॉर्ड तो ये हो सकता है। दूसरा रिकॉर्ड ये हो सकता है कि ऐसे इलेक्शन में भी जो पिछले 2-3 दिन में सारी जो है वो प्री पोल रिगिंग हुई, बिलखसूस पंजाब में हमारे कैंडिडेट सब की वीडियोस जो है वो सामने है, खौफनाक है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई हम कोई नॉर्थ कोरिया या कोई अफ्रीकन डिक्टेटरशिप में फिर रहे, या कोई जनरल डायर दोबारा जो है वो पंजाब पुलिस के हेड बन गए। तो उसके बावजूद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, ये नून लीग का माजरत के साथ जो भी बंदा बोलता है उनके अल्फाज में और उनके अल्फाज के बोलने के अंदाज में खौफ नजर आता है, तो जो पीटीआई की इस हालात में भी जीत होगी इमरान खान की जेल से वो दूसरा रिकॉर्ड होगा। देखिए खौफ उनको आता है जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज ले लें, जो पाकिस्तान में खातिमुन नबीन ना बोल सके, जो नौजवानों के अखलाक बिगाड़ दें, जो लोग पाकिस्तान में नौ मई के वाकयात करते हैं, जो पाकिस्तान के हर इशू को नॉन इशू बना दें, कश्मीर को इंडिया के हवाले करते, वो खौफ ज्यादा है। अच्छा। मोहम्मद नवाज शरीफ की चलती फिरती बोलती तस्वीर पाकिस्तान के हर चप्पे चप्पे कोने कोने करिए करिए में है, कहीं पे मोटरवे है, कहीं ये जो खौफ है ना, मैं इस पे आगे बात नहीं आ रहा, हर घर में लैपटॉप है। क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान को भी इंतखाबी मैदान में होना चाहिए? खौफ ज्यादा वो लोग, देखिए खौफ ज्यादा वो लोग हैं बिल्कुल। मैं मुझे अगर ऐसे इलेक्शन लड़ने का क्या मजा आएगा, खौफ ज्यादा वो लोग हैं, मुकाबला ही ना हो। सुन लेना, खौफ ज्यादा वो लोग हैं जो 2018 में धांधली करके आए, आरटीएस को बैठाल के आए। खौफ ज्यादा इसलिए है कि अब साकिब निसार नहीं है, खौफ ज्यादा इसलिए कि आसिफ शहीद खोसा नहीं है। अच्छा। खौफ ज्यादा इसलिए है कि अब जनरल फैज हमीद नहीं है, वो लोग खौफ ज्यादा है, हम खौफ ज्यादा नहीं है। पीपल्स पार्टी कह रही है आप खौफ ज्यादा हैं, काम से आए थे, अपने किरदार से, रेबिलिटी से। मैं ब्रेक के बाद बताती हूँ कैसे, और नामरा साहब भी बताएंगे पाकिस्तान के सियासी मैदान। तो फिर अभी तक अवामी जलसे क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब दीजिएगा। आप तो मीनारे पाकिस्तान पे एक जलसा किया और फिर मीडिया टॉक्स, और अब अपने पार्लियामानी बोर्ड के इजलासों तक ही महदूद हो गए हैं। तैमूर जगरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट जो कहती थी कि हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, वो खुद अब इलेक्शन कमीशन की इस दो नंबरी पर नोटिस लेगी? क्या इलेक्शन कमीशन को सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नज़र आए जिसमें वो कीड़े निकाल रहे हैं? क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस लेगी कि पीटीआई के जो रुकन भी कागजात जमा कराने के लिए जाते हैं उनसे कागजात छीने जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियाँ अभी तक अमल में लाई जा रही हैं? पारस जानदेव ने निहाल आशमी से बिल्कुल ठीक कहा कि आप पीटीआई के हाथ पांव बांध कर भी इलेक्शन के मैदान में उतरने से घबरा रहे हैं, यही वजह है कि इलेक्शन में 47 डेज रह गए हैं और अभी तक आपने ना जलसे शुरू किए और ना ही आप अपनी इलेक्शन कंपेयर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अवाम आपको रिजेक्ट कर चुके हैं और आपके जलसों में अवाम नहीं आएंगे। अवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान को ही अपना नेक्स्ट वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।